बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम करेला पकाएंगे। ये है 2 किलो करेला। इसको मैंने रात से नमक डाल के रख दिया था। अभी मैंने इसको धो के फ्राई करना है। ये है प्याज, 10 अदद मैंने ली है। प्याज जितना ज़्यादा हो उतना ही टेस्टी रेसिपी आती है। यह है टमाटर, 4 अदद मेरे पास बड़े बड़े टमाटर है, इस वजह से मैं 4 अदद ले लूँगी। अगर छोटे टमाटर हो तो 6 से 7 अदद। तो चलते हैं, पहले मैं इसे फ्राई करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसे निकालते हैं। कुछ इस तरह के हो जाए तो हम निकाल देंगे। अच्छा व्यूअर्स, इतना ऑयल होना चाहिए। मैंने वो करेले को निकाल दिया है। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे। अच्छा व्यूअर्स, मैंने इसे प्याज डाल दिया है, तो थोड़ा फ्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम इसमें टमाटर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद टमाटर, 3 से 4 अदद मिर्च डालेंगे। अब ये करेले में इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करते हैं इसे। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मसाला जो हम हर डिश में इस्तेमाल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 से 2 चम्मच तक। कढ़ाई गोश्त मसाला 2 चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने इसे करेले में पहले ही डाल दिया था। और हम इसको दम पर रख देंगे 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी। आप सब भी ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये व्लॉग आप सबको पसंद आई होगी। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ व्यूअर्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबको मिल सकें। थैंक यू व्यूअर्स। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।